तो आज हम बनाने वाले हैं लेमन टी। इसके लिए हमने एक पैन लिया है और उसमें एक कप पानी हम डाल देंगे। अब इसमें दो काली मिर्च और एक इलायची डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो अगर आप इसे सर्दियों में ले रहे हैं तो आप इसमें कुछ गर्म खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लौंग और दालचीनी। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून चाय पत्ती और डालकर इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। वैसे तो मार्केट में अलग अलग ब्रांड की काफ़ी तरह की टी आई हुई हैं, लेकिन अगर आपने एक बार ये टी पी ली ना तो इसके सामने आपको कोई भी टी पसंद नहीं आएगी। अब जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस टी को आप ब्रेकफास्ट में, इवनिंग में ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्थी टी मानी जाती है। लेमन टी इम्यूनिटी बूस्टर तो होती ही है, साथ में वेट बर्निंग का भी बहुत अच्छा काम करती है। जिसने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें एक बार और अच्छे से उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चलिए, चाय तो हमारी रेडी है, अब इसे एक कप में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। आधा नींबू का रस एक कप टी के लिए इनफ होता है। आप चाहें तो यहाँ पर नींबू के रस को और बढ़ा दीजिए एज पर टेस्ट। तो लीजिए, मिनटों में हमारी लेमन टी बनकर रेडी है, जो कि बहुत ही हेल्थी है। लेमन टी के तो बहुत से फ़ायदे होते हैं, आप तो जानते ही होंगे। और अगर आप वेट बर्निंग के लिए सोच रहे हैं तो ये तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो कैसी लगी आपको लेमन टी की रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर और किसी अच्छी टेस्टी रेसिपी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।